वर्क फ्रॉम होम असिस्टेंस बिल की रिलोकेशन बिल, पूरा अमाउंट वगैरह सब मेल में लिख के भेजना है। सी ट्रेन है तो मेरा तो 2500 बिल नहीं बन रहा था। हम लोग सारे ही लोग हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं सच बता रही हूँ, मेरे जैसे आलसी इंसान को यहाँ बिठाने के लिए, वो भी खाना खाने के बाद और ऑफिस डे पे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके लिए एक अच्छा सा तगड़ा वीडियो ही लगता है, वीडियो रिस्पॉन्स मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो लास्ट वीडियो था उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मतलब इट इज़ दी बेस्ट वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल जिसको इतना ज़्यादा बढ़िया, इतने कम टाइम में रिस्पॉन्स आया है। और वो रिस्पॉन्स को देखने के बाद ही मुझे लगा कि चलो यार फिर से एक वीडियो बनाते हैं। और उस वीडियो में कोई आलतू फालतू बातें नहीं करेंगे, जो बातें रिपीटेडली मैं करती आई हूँ अपने चैनल पे वो सब नहीं करूँगी। इस वीडियो में एक बहुत ही धमाकेदार चीज़ हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज़ पैसा कैसे निकाले एक्सेंचर से। ऐसा एकदम, देखो मैं मजाक मस्ती के लिए ये सारी भाषा बोल देती हूँ, लेकिन इसको दिल पे मत ले लेना, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब था कि रीलोकेशन बिल होता है या फिर वर्क फ्रॉम होम असिस्टेंस का जो भी बिल होता है वो कैसे हम क्लेम करें। तो इसके लिए हम शुरू से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले थैंक यू सो मच मेरे लास्ट वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। ऐसे रिस्पॉन्स आगे देते रहिएगा, प्लीज 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 प्लीज। तो चलो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बारी आती है वर्क फ्रॉम होम असिस्टेंस बिल की। तो बहुत लोगों ने मेरे चैनल पे कमेंट करा है, इसके पहले भी कमेंट करते आए, और अभी जो रीसेंट वीडियो था उसमें भी मुझे एक कमेंट दिखा। तो मैंने सोचा वहां रिप्लाई करने से अच्छा मैं उस पर एक वीडियो ही बना लूं, ताकि आपको एक मेथड भी समझ में आ जाए कि इसको कैसे हम क्लेम कर सकते हैं। उसके पहले आपको अपने पेरोल टूल पे जाके चेक करना होगा कि आप उसके लिए एप्लीकेबल हो भी या नहीं, क्योंकि हमारे टाइम 2023 एंड होने तक हम लोग सारे ही लोग एप्लीकेबल थे वो क्लेम करने के लिए, लेकिन आप लोगों को जाके वो पेरोल टूल में चेक करना पड़ेगा। अब वो कैसे चेक करें? तो अगर आपको ज्वाइन करे एक महीना हो गया होगा तो आपको एक सैलरी स्लिप वाला मेल आया होगा ऑन योर आउटलुक, तो वहां जाके देखिएगा आप, पेरोल टूल की लिंक रहती है, तो बस वो पेरोल टूल की लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद रीइंबर्समेंट सेक्शन में जाना है, ऊपर ही सबसे ऊपर में ही 4-5 टैब रहती है, उसमें ही जो सेकेंड टैब रहती है वो रीइंबर्समेंट की रहती है। तो बस उस रीइंबर्समेंट की टैब पे अगर आप क्लिक करोगे तो उसमें लास्ट सेकेंड टैब रहती है वर्क फ्रॉम होम असिस्टेंस बुकिंग की, वहाँ पे जाके क्लिक करके देखना। अगर वहाँ पे जाके लिख के आता है कि येस यू आर एप्लीकेबल टू क्लेम दिस अमाउंट, तो फिर आप वर्क फ्रॉम होम असिस्टेंस बुक कर सकते हो। बुक करने के लिए आपको लगेंगे ओरिजिनल बिल, मतलब वर्क फ्रॉम असिस्टेंस में आप अगर जाओगे तो वहाँ कुछ कैटेगरीज रहेगी कि आप क्या क्या मंगा सकते हो। मेरे टाइम मुझे याद है टेबल था, चेयर था, फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में कीबोर्ड, जो वायरलेस कीबोर्ड्स रहते हैं, माउस, हेडसेट, ऐसी सारी चीज़ें थी। तो आप वहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन एरो में देख लेना कि आपको कौन सी चीज़ें एप्लीकेबल है, और एप्लीकेबल होने के बाद अगर आप उसको खरीदते हो या आपके पास अगर उसका सही से बिल रहता है, वो बिल आपको वहाँ डालना है विद GST, CGST, SGST, सारी ही चीज़ें, इनवॉइस नंबर, ये सब चीज़ें मांगेगा वो, क्योंकि वो एकदम टैली करते हैं आपके बिल के साथ और आपने जो बुकिंग की है उस हिसाब से। तो ऐसे कुछ बहुत बड़ी प्रोसीजर नहीं रहती है, बस सेल्स रहते हैं, उन सेल को भरना पड़ेगा आपको। जैसे चेयर लिए तो चेयर के कॉलम में क्लिक करके उसका प्राइस, उसका कितना SGST वैल्यू है, कितना CGST वैल्यू है, और वो सब करके जो फाइनल अमाउंट है वो क्या होता है, तो ऐसा सब कुछ आपको फिल करते जाना पड़ेगा। जितना मुझे पता है आप 18K तक का अमाउंट क्लेम कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम असिस्टेंस के लिए, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर दोनों ही क्लेम हो सकता है। उसके बाद बारी आ जाती है अगर आपका ये बुकिंग सक्सेसफुल हो गया है तो इसको चेक कैसे करें। तो रीइंबर्समेंट सेक्शन में ही लास्ट टैब होती है वर्क फ्रॉम होम असिस्टेंस बुकिंग डिटेल्स। तो डिटेल्स में आपको आपके बुकिंग्स दिख जाएंगे, और वो बुकिंग्स कब दिखेंगे, जब आपका पेरोल टूल पे वो बुकिंग सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद वो आपको वहाँ शो होने लगेगा। ये जो भी क्लेम आप करोगे, जो भी अमाउंट, रिस्पेक्टिव अमाउंट, वो आपके अगले मंथ की सैलरी के साथ आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर बैंक अकाउंट में सैलरी के साथ ना आए तो घबराना मत, मे भी हो सकता है कि उस महीने के 5 तारीख के पहले आ जाएगा। कन्फर्म मैं बताती हूँ, अगर सैलरी के साथ नहीं आया तो महीने की 5 तारीख के पहले वो कन्फर्म आ जाएगा।
मैं लिख के देती हूँ अगर आपको एप्लीकेबल है तो. तो दिस इज द प्रोसीजर कि आप ऐसे इस तरह वर्क फ्रॉम होम असिस्टेंस बुकिंग कर सकते हैं और वो जो भी अमाउंट है रिस्पेक्टिव 18K वो क्लेम कर सकते हैं. 18K से ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते, 18K इज द लिमिटेशन. तो आपका जितना भी बिल हो ट्राई करना कि वो 18K के अंदर ही बने या 18K बने, मतलब अगर आपको एक भी पैसा नहीं छोड़ना होगा तो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्क फ्रॉम होम असिस्टेंस बुकिंग. उसके बाद दूसरी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे आप जैसे लोगों के लिए जो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह रीलोकेट होने जाते हैं, रीलोकेशन बिल. तो रीलोकेशन बिल में पहले मैं बता दूं कि क्या क्या आएगा. रीलोकेशन बिल में आप अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो आपकी फ्लाइट टिकट या ट्रेन से जा रहे हो तो आपकी ट्रेन टिकट आएगी. तो रीलोकेशन बिल का भी एक लिमिट रहता है और लिमिट रहता है 2,500 रुपये. सिर्फ आप 2,500 रुपये तक का क्लेम कर सकते हो. अगर आपकी प्लेन टिकट 5,000 की भी होती है तो वो आधा पैसा छोड़ दो, आप सिर्फ 2,500 तक का क्लेम कर सकते हो. अब 2,500 तक में आप और क्या क्या क्लेम कर सकते हो. अगर आपकी ट्रेन की टिकट ही कम में आ गई, जैसे मतलब गरीब रथ वगैरह ऐसी ट्रेन है जो बहुत ही सस्ती ट्रेन है, तो मेरा तो 2,500 बिल नहीं बन रहा था. तो मैंने कर दिया था एक काम, मेरा होटल था यानी कि मेरा अकोमोडेशन था हिंजेवाड़ी में और मुझे जाना रहता था मगरपट्टा. तो जॉइनिंग के दिन फिर आना जाना हमने कैब की थी, ठीक है. तो वहाँ तक रीलोकेट होने के लिए वी हैव यूज्ड कैब. तो ये जो कैब के भी बिल्स है वो मैंने वहाँ डाल दिए थे और ऐसे करते करते मेरा वो अमाउंट बन गया था. तो आपका भी अगर ट्रेन, सिर्फ ट्रेन एक्सपेंसेस आपके 2,500 नहीं हो रहे इक्वेट 2,500 से, तो आपको भी कैब बिल्स और ये सारी चीज़ें जो भी आपके आने जाने के खर्चे आते हैं अकोमोडेशन से मगरपट्टा या कहीं और भी फैसिलिटी तक. अभी मैं पुणे की हूँ तो मैं पुणे की ही बातें करती रहती हूँ, लेकिन आपको मैं समझ पा रही हूँ कि आपको भी समझ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. तो आपके अकोमोडेशन से आपकी जो फैसिलिटी है, जहाँ ऑफिस है आपका, अगर वो दूर है और आपको कैब वैब का खर्चा लग रहा है तो कैब के बिल्स आप जमा करके रखो और वो भी आप क्लेम कर सकते हो. इसको क्लेम करने की प्रोसीजर थोड़ी अलग है. इसको क्लेम करने के लिए पहले आपको आपके HR को सारे बिल्स विद बड़ा सा मेल आपको भेजना पड़ेगा कि ये मेरे रीलोकेशन बिल्स है, इतना इतना मुझे खर्चा आया है, टोटल अमाउंट निकाल के, मतलब कैब बिल्स का प्लस ट्रेन का एक्सपेंस, ये दोनों का प्लस करके आपका एक अमाउंट आएगा. वो पूरा अमाउंट वगैरह सब मेल में लिख के भेजना है. नीचे अटैचमेंट्स में आपको PDFs अटैच करने हैं, जैसे कि ट्रेन टिकट की PDF हो गई और कैब बिल्स का PDF. तो ये एक PDF में आप ट्राई करना कि एक ही PDF में इसको एक्सट्रैक्ट करो. तो ये सारा आपको करके HR को भेजना है. HR उनको तुरंत अप्रूव नहीं करेगा क्योंकि एक साथ कुछ 1,000-1,500 बच्चे ज्वाइन होते हैं, तो उतने लोगों का तो एक साथ आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो वन बाय वन HR की टीम जाती है इनके थ्रू और अप्रूवल मेल आपको भेजते हैं. तो इसीलिए मैंने ये क्लेम डाला था अगस्त में और मुझे इसका रिप्लाई मिला नवंबर में. तो इतना टाइम लगता है रिलोकेशन बिल को वेरीफाई होने के लिए. इसीलिए मैं बोलूंगी कि आप थोड़ा पेशेंस रखना इसमें, इतना घाई मत करना कि बार बार लोगों को पूछ रहे हो, ऐसा नहीं. थोड़ा पेशेंस रखना, HR भी आपके HR मीट में बताया गया कि थोड़ा पेशेंस रखो क्योंकि 1,800-1,500 बच्चों का एक साथ वो नहीं कर सकते, तो वो टाइम टू टाइम करना पड़ता है. और सिर्फ उनके पास एक ही काम नहीं रहता कि आपके रीलोकेशन बिल्स ही देखते रहे, उनके साथ बाकी भी काम रहते हैं, तो उनके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ती है. तो उसका रिप्लाई आने में 2-3 महीना तो लग जाएगा, लेकिन आएगा, कन्फर्म आएगा. जैसे ही रिप्लाई आता है कि ओके यू कैन क्लेम इट वेरीफाइड, ऐसा कुछ रिप्लाई आता है, आपको जाना है माइटी पे, उस महीने की माइटी पे. अभी वो फर्स्ट क्वार्टर हो सकता है या सेकेंड क्वार्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो उस टाइम की माइटी पे जाना है आपको और बस क्लेम करना है. एक्सपेंसेस सेक्शन में अगर आप माइटी भरते आ रहे होंगे, आपको सैलरी वैलरी मिल गई इस महीने की, तो आप माइटी भर ही रहे होंगे, तो एक्सपेंस सेक्शन में जाना है. वो लोग आपको मेल में विथ रिप्लाई चार्ज कोड भी मेल करेंगे, वो चार्ज कोड फिल करना है, आपका अमाउंट जो फाइनल अमाउंट है वो फिल करना है, और नीचे अपलोड रिसिप्ट वाले सेक्शन में आपको रिसिप्ट अपलोड कर देनी है. एंड बस आपको अगले महीने की 5 तारीख तक आपके अकाउंट में वो सारे पैसे आ जाएंगे. दैट वॉज ऑल अबाउट क्लेमिंग योर एक्सपेंसेस, वो चाहे ट्रेन बिल्स रहो, कैब बिल्स रहो, या वर्क फ्रॉम होम असिस्टेंस वाला बुकिंग वाला एक्सपेंस रहे.
ये सारा हमने क्लेम करना इस वीडियो में जान लिए है, सीख लिए. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे प्यार देते रहिएगा. आई एम लिटरली ओवरवेल्म्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्स आई गॉट फॉर द लास्ट वीडियो. अगर किसी और टॉपिक में डाउट हो और किसी और टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, उस टॉपिक पे भी जल्दी वीडियो आएगा. बाय.